पश्चिमी चंपारण जिले के ज़्यादातर गांव में देखा जा रहा है कि गांव से एक बहुत बड़ी संख्या दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मजदूरों के साथ पढ़े लिखे नौजवान भी बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के तलाश में जा रहे हैं, जबकि इस बेरोजगारी को पलायन को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाया है, जैसे मनरेगा और दूसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यक्रम, जिस पर भारत सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, पर इसका लाभ उन जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता दिख रहा है। तो मतलब बात हुई जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे थे जी, क्या क्या वहाँ पर समस्या ये बताया गया कि मान लीजिए कि आप लोगों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है जी, तो हम आप लोगों को 5 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में लोन देंगे। लोन और आप लोग एक व्यक्ति को अगर लोन देते हैं तो उससे हम 10 लोगों के या 50 लोगों को आप उद्योग करके उन्हें रोजगार दे सकते हैं। जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो हमारा ना लोन मिल रहा है ना हमारे कोई नौकरी मिल रही है, तो हम इसके लिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें जब भी कोई काम करते हैं तो हर जगह पर पैसे की मांग होती है। इसके बारे में मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ में जितने बच्चे लोग ट्रेनिंग किए हैं उन सबका लोन मिले। समस्या यह है कि इसमें हर चीज़ में पैसा लग रहा है ना जी। इसको कोटेशन बनवाने जा रहे हैं तो फिर वहाँ भी 2500-2500 रुपया 3000 रुपया लग रहा है। इसको मटेरियल रिपोर्ट बनवाने जा रहे हैं वहाँ पर भी लग रहा है। हर जगह पैसे की मांग, हर जगह पैसे की मांग हो रहा है। यही के मांग बात इतना दिया ही तो हो ही, लेकिन के काम ना दिया ही ना हो सब बड़ी बात है। अब गरीब आदमी हमने के बानी सब कमाए वाला खाए वाला, तो हमने कहाँ उतना जुड़ी जो दी सन लेकिन के काम लाग है। रोजगार के बढ़ाव के लिए सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया जाए, इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूँ और मैं अपने समुदाय के साथ जिला उद्योग विभाग में आवेदन देने जा रही हूँ। यदि जरूरत पड़ा तो उन अधिकारियों के समक्ष धरना भी दूंगी। मैं आप लोग से अपील करती हूँ कि हमारी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोग करें। इसके लिए जिला उद्योग विभाग का मोबाइल नंबर है 8541926706 पर कॉल करके दबाव बनाए। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडियन हर्ट के लिए।